एक बार एक शैतान एक लड़के के कपड़े उतार कर उसे पेड़ पर रस्सियों से बांध कर डंडे मार रहा होता है। मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तेरे जैसे लड़के तो समाज में नासूर हैं, जो कई घरों के चिरागों को बुझा देते हैं। कई साल पहले मैं भी ऐसे ही चिल्लाया था, लेकिन तूने और तेरे उन तीन दोस्तों ने मेरी एक नहीं सुनी और मैं पूरी रात ठंड में ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गया था। तुम राहुल, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए? ये सब छोड़, फिलहाल तू तो मर। ऐसा कहकर शैतान उसकी गर्दन काट देता है। लड़के की अधकटी गर्दन कट कर लटक जाती है और वह शैतान हंसते हुए चला जाता है। दोस्तों, ये बात शुरू होती है आर्यनगर गांव से, जहां पर राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो स्कूल में टॉप करता था और बड़े होने पर उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिससे उसकी माता रीमा और पिता राजेश, जो कि काफी गरीब होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। पड़ोसी भी उन्हें काफी बधाइयां दे रहे होते हैं। ओ यारा राजेश, और तेरे पुत्र ने नाम रोशन कर दिता साडे गांव दा, हुण ते गरीबी भी दूर हो जावेगी। हाँ भाई, राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अच्छी सी नौकरी कर ले, और हमें क्या चाहिए। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। सरदार अंकल। हाँ, बस एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर देखना मैं पापा और मम्मी को क्या पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा सा करूंगा, एक स्कूल खोलूंगा ताकि गांव से और बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख जाएं। और जितते रहो पुत्र जी, तेरे वर्गे लड़कों की ऐसी सोच ही देश का भविष्य है, रब रखा तेनु। इसके बाद सारे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल भी अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और कितना बड़ा कॉलेज है, बच्चों ने भी कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। वाह, यहाँ पढ़ने में तो मजा ही आ जाएगा, मैं यहाँ खूब दोस्त बनाऊंगा। ऐसा कहकर वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी चार दोस्त, जिनका नाम नोना, शैंकी, रहीम और रोहित होता है, सामने से आ जाते हैं और राजेश को देख कर हंसने लगते हैं। अबे देख, गांव से कोई नया तोता आया है। अबे तोता नहीं, गांव का बैल बोल बे। चुप करो तुम, भाई है अपना ये, सुना नहीं? जय जवान जय किसान। चल बेटा, अपना नाम बता हम लोगों को, अपना नाम बता हम लोगों को, और जल्दी से कुत्ते की आवाज निकाल कर सुना। देखो आप लोग मुझसे ऐसे बात मत करो प्लीज, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और कुत्ते उत्ते की आवाज मैं नहीं निकालूंगा। ऐसा सुनकर चारों गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से रोहित नाम का लड़का राजेश को थप्पड़ मार देता है। अबे तुझे गांव की ज्यादा हवा लग गई है, चर्बी चढ़ गई है तुझे, तेरी चर्बी निकालनी पड़ेगी, गांव के गवार। वो राजेश को और मारने जा रहे होते हैं कि तभी कॉलेज के एक प्रोफेसर वहां आ जाते हैं। अरे तुम चारों फिर यहाँ फिर किसी नए लड़के को परेशान कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, न कोई काम न धाम, जब देखो आवारा गर्दी। उसके बाद वो चारों वहां से चले जाते हैं और राजेश को बाद में देखने की धमकी देते हैं। प्रोफेसर राजेश के पास आते हैं। बेटा ये चारों बहुत ही बदमाश है और चारों के चारों काफी अमीर घरों से आते हैं, तो प्लीज तुम अपना ध्यान रखना और इन दुष्टों से दूर रहना। जी सर, मैं अपना ध्यान रखूंगा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। राजेश भी अपने अच्छे व्यवहार और नॉलेज के कारण कॉलेज में काफी नाम बना लेता है और जल्द ही पूरे कॉलेज में फेमस हो जाता है, सब उसे पसंद करने लगते हैं। एक रात जब राजेश अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ रहा होता है, उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे भाई कौन है जो इतनी रात को दरवाजा पीटे जा रहा है? आता हूँ, थोड़ा सब्र रखो भाई। लेकिन दरवाजा पीटना बंद नहीं होता। उधर जैसे ही राजेश दरवाजा खोलता है, उसके सामने तीन हैवान और एक चुड़ैल खड़ी होती है। डरावनी आवाजें आने लगती हैं।
अंदर आने के लिए नहीं कहोगे राजा जी? डर के मारे राजेश की चीख निकल जाती है और वो भागकर छत पर पहुंच जाता है। नहीं मम्मी, नहीं, छोड़ दो मुझे, इस कॉलेज में भूतों का साया है, मुझे नहीं पता था, छोड़ दो मुझे प्लीज। तभी बारिश के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। तभी रहीम अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। अबे तुझे क्या लगा कि हम सब भूत हैं? बेवकूफ कहीं का डरपोक। फिर सब अपना भूत का मुखौटा हटाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, अरे कहीं पतलून गीली तो नहीं कर दी डर के मारे? उस दिन बात पूरी नहीं हुई थी। यह सब देखकर राजेश काफी डर जाता है। देखो मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो। देखा कैसे भीगी बिल्ली बना है, देखा कैसे भीगी बिल्ली बन गया है, तू तो बहुत फैल रहा था, अब अकड़ के दिखा। ऐसा कहकर वो चारों राजेश के कपड़े फाड़ देते हैं। अरे भाई देख क्या मस्त बॉडी है इसकी, अगर ये गंजा भी हो जाए तो मस्त लगेगा, क्यों? सही बोल रहा है यार रोहित, मैं तो कहता हूँ इसका एक वीडियो भी बना, लोगों को दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। इसके बाद चारों दुष्ट ऐसा ही करते हैं और राजेश को गंजा करने के बाद उसका एक वीडियो बना लेते हैं। राजेश इस सब से काफी टूट जाता है। मैं बिल्कुल दया नहीं है, एक पल भी नहीं सोचा कि मैं किसी का बेटा हूँ, मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन लौटूंगा जरूर, तुम्हें और तुम्हारे जैसे गंदे लड़कों को सबक सिखाने। ऐसा कहकर राजेश छत से छलांग लगा देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। अरे यार इसने तो छत से छलांग लगा दी, ये तो पक्का मर गया होगा, अब क्या होगा, हम फंस जाएंगे। अबे कितना डरपोक है तू, कुछ नहीं होगा हम लोगों को, और पहली बात तो हमें किसी ने नहीं देखा, बस सब लोग अपना मुंह बंद रखना और इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद वे सारे राजेश की लाश को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रहीम सो रहा होता है तभी एक शैतान आता है और जोर से रहीम को लात मारता है। कौन है, कौन है जिसने मुझे लात मारी? ये तेरे जैसे इंसान को जानना जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर वो रहीम को सिर के बल पटक कर मार देता है। ये खबर सुनकर बाकी के तीनों दोस्त काफी घबरा जाते हैं और एक जगह मिलते हैं। यार पता नहीं किसने रहीम को मार डाला, वो भी इतनी बुरी तरह, इस तरह तो कोई शैतान ही किसी को मार सकता है। अरे यार तुम भी इतना डरते हो यार, मुझे लगता है नशे वशे में गिर गया होगा रहीम। तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं होगा, जाओ सब अपने घर जाओ। उसके बाद तीनों अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में मोहित को उसका नाम पुकारने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर रोहित रुक जाता है। कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है, सामने आओ। ठीक है तो आ जाता हूँ। तुम तो राजेश हो, तुम जिंदा कैसे हो गए? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे बहुत सताया था, मारा था, मेरी लाश भी मेरे माँ बाप को नहीं मिली, तुम्हें तो मरना ही होगा। ऐसा कहकर शैतान रोहित के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके बाद उसके हाथ पैर उखाड़ कर मार देता है। उसी रात जब नोना अपने कमरे में सो रहा होता है, राजेश का भूत उसके कमरे में आ जाता है और नोना को उठा करके दीवार से चिपका देता है। कौन है, मुझे नीचे उतारो प्लीज। डर लगा अपनी मौत देख कर? लेकिन मुझे तो नहीं लगा था, मैं तो नीचे कूद गया था छत से, चलो तुम भी कूदो चलो। नहीं राजेश मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? अगर तुझे माफ कर दिया तो तेरे जैसे दुष्टों से मेरे जैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, तूने तो मेरी जिंदगी ही खत्म करवा दी। ऐसा कहकर वो शैतान नोना को उसके कमरे की खिड़की से नीचे फेंक देता है। इस तरह वो शैतान अपने साथ हुई बदसलूकियों का बदला ले लेता है। अगले दिन कॉलेज के गेट पर लिखा होता है, रैगिंग करना मना है, और नोना की लाश वहां लटक रही होती है और राजेश भी वहां से गायब हो जाता है। तब से उस कॉलेज में रैगिंग होनी भी बंद हो जाती है।